Hi, this is Khushbu with another question of polynomials. This is question number 1 from exercise 2.2, page number 33 from NCERT. It says, find the zeros of the following quadratic polynomials. How many quadratic polynomials ke zeros find karne and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Or zeros or coefficients ke relationship ko verify. So this is part number 3 given. 6x square minus 3 minus 7x is equal to 0. सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट टर्म होती है स्क्वायर टर्म, स्क्वायर वाली टर्म, फिर होती है ये एक्स सिंगल वेरिएबल वाली टर्म, फिर आता है कांस्टेंट. तो पहले हम इसको आगे पीछे करके इसको अरेंज करते हैं. तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो यहां पर सबसे पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया माइनस 18x स्क्वायर. अब 18 से आपको लाना है 7, तो 9 टू 18 होता है. इसको माइनस करने पे 7 मिलेगा, बट इन दोनों में से बड़ी टर्म है 9, तो 9 के साथ आएगा यहां पर ये नेगेटिव साइन. 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो यहां से इन दोनों टर्म्स के अंदर 6x स्क्वायर और 9x में, और इन दोनों में हमारे पास कॉमन है 3x, तो अंदर हमारे पास बचता है 2x माइनस, इनमें कॉमन आ गया 3, 3 3 9, प्लस यहां से हमारे पास कॉमन आया इन दोनों में 2x और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, दैट मींस प्लस 1. तो अंदर आपके पास बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो दो टर्म्स आ गए, एक आ गया 2x माइनस 3 और एक आ गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 दोनों 0 के इक्वल है, तो 2x इक्वल आ गया 3 के. सो x इज इक्वल टू 3/2, यहां से 3x इक्वल आ गया माइनस 1 के. सो x इज इक्वल टू माइनस 1/3. सो दो जीरोस आ गए, एक आ गया 3/2, आ गया माइनस 1/3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. नाउ क्वेश्चन के सेकेंड हाफ में हमसे कहा गया है कि हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. सो रिलेशनशिप between zeros and the coefficients. सबसे पहले हम करके देखते हैं sum of zeros, which is alpha plus beta. If you have seen the last video, उसमें हमने आपको बताया कि आपकी zeros, जैसे आपके पास quadratic equation होती है ax square plus bx plus c, उसमें आपकी जो zeros आते हैं होते हैं alpha और beta. That means alpha beta हमारे होंगे ये दोनों. So alpha plus beta is equal to minus b by a. So, यहां पर अल्फा हमारे पास है 3/2, बीटा इज 1/2. मीन्स 3/2 एंड माइनस 1/3. माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस साइन आएगा. b यहां पर है हमारे पास ये माइनस 7. माइनस 7 बाय a हमारा होता है जो x स्क्वायर के साथ है, मतलब 6. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, इन कैल्सियम लिया तो आया 6. 6 को 2 से डिवाइड किया आया 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, प्लस 3 को 6 को 3 से डिवाइड किया 2, मतलब माइनस 2 इज इक्वल टू 7/6. सो 9 माइनस 2 इज 7/6 इक्वल टू 7/6. सो दैट मीन्स कि हमारा सम ऑफ जीरोस इक्वल है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सेम वे हम चेक करके देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए, विच इज अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए. अल्फा बीटा, अल्फा हमारे पास है 3/2 और बीटा है माइनस 1/3. इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी बाय ए. सी हमारे पास है दिस थिंग माइनस 3 बाय ए इज 2, आई मीन 6, जो एक्स स्क्वायर के साथ टर्म है. सो 3 से 3 कैंसिल, 3 वन्स आर 3 टूज आर, सो माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2. So that means हमारे पास product of zeros equal आ गया constant term upon coefficient of x square. Hence proved. The same way, let's try the next part, which is part number 4.
So part number 4 is 4u square plus 8u is equal to 0. अब हम क्या करेंगे, हम यहां से कॉमन लेंगे इन टर्म में से 4u. कॉमन है इसके पास, सो आपके पास अंदर बचता है u plus 2 is equal to 0. अब एक ये टर्म है एक ये टर्म है, दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे. सो 4u equal to 0, u plus 2 equal to 0. सो u equal आ गया यहां पे 0 by 4, that means u equal है 0 के and u equal है minus 2 के. सो ये हमारे पास दो जीरोस आ गए, 0 और माइनस 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल. अब हमें वेरीफाई करना है इसका रिलेशनशिप. सो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है सम ऑफ जीरोस के लिए. तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास यहां पर है अल्फा प्लस बीटा व्हिच इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए. सो अल्फा प्लस बीटा दैट मींस 0 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस, और बी हमारे पास है यहां पर बी वाली टर्म इज 8 बाय ए इज 4. नाउ यू सी ए भी है स्क्वायर वाली, 1 वाली टर्म बी भी है बट सी नहीं है यहां पर. सो 0 माइनस 2 इज माइनस 2, 4 वन्स आर 4 टूज आर also minus 2. So that means ये हमारे पास sum of zeros equal है minus coefficient of x upon coefficient of x square. Same way हम check करके रखेंगे product of zeros के लिए, which is alpha beta equal to c by a. alpha हमारे पास है 0 and beta हमारे पास है minus 2. C by a, c constant term हमारे पास नहीं है, ए होती है हमारी ये वाली टर्म, तो स्क्वायर टर्म के साथ कोएफिशिएंट है. सो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, जीरो पॉन समथिंग इज जीरो, दोनों इक्वल है. देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो इस तरह से हम इनके रिलेशनशिप्स वेरीफाई करते हैं. So this was first question from exercise 2.2. I do watch the next video for other parts of this question. Goodbye.